पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज टू इलाके के सर्वोदय बाल विद्यालय में 10वीं की परीक्षा देकर स्कूल से बाहर निकले 4 छात्रों पर कुछ लड़कों ने चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में दाखिल कराया गया है। घायल छात्रों की पहचान गौतम, रेहान, फैजान और आयुष के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि सभी छात्र मयूर विहार फेज टू के सर्वोदय बाल विद्यालय में 10वीं की परीक्षा देने के लिए आए थे। परीक्षा देकर जैसे ही सभी छात्र स्कूल से बाहर निकले, तभी कुछ लड़कों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। अपने आप को बचाने के लिए छात्र पास के पार्क की तरफ भागे, जहां पीछा करते हुए पहुंचे हमलावर लड़कों ने 4 छात्रों को चाकू मारकर घायल कर दिया। मौके पर मौजूद दूसरे छात्रों ने घायल छात्रों को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में दाखिल कराया, जहाँ सभी का इलाज किया जा रहा है। मैं तो कुछ नहीं, वो मेरे पास भागा आया था, जिस लड़के को मैं लेकर आया था, तो मेरे से बोला भाई मेरे चाकू मार दिया। फिर मेरे साथ एक लड़का और था, फिर इसे रिक्शे में डाल कर हॉस्पिटल लेकर आए थे। कितने लोग थे? वो स्कूल से पेपर देकर निकला है और कुछ लड़के बाहर के आए बदमाश टाइप के, उन्होंने कुछ नहीं पूछा धचा, उन्होंने चाकू मारने चालू कर दिया। चाकू कहाँ का लगा कुछ मालूम है? हाँ, एक सर में लगा हुआ पीछे और जो 2 चाकू जांघ में लगे हुए। फिलहाल इस पूरे मामले में सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मौके पर पहुंची पांडव नगर थाना पुलिस को पार्क में कई जगह खून के निशान मिले हैं। फिलहाल हमलावर लड़के कौन थे, इसकी जांच की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।